हेलो एवरीवन नमस्ते क्या हाल चाल है आज मैं ना लाइट कलर की टी शर्ट पहन करके आ गया हूँ यहाँ पर और मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही चमकता हुआ लगूंगा मैं आपको आज ऐसे कुछ ऐसे पता नहीं कुछ किरणें निकल रही हूँ मेरे अंदर से ऐसा नहीं है इसीलिए हम लोग ना यूजली मोस्टली डार्क कलर्स यहाँ पर पहनते हैं लेकिन अभी मेरे पास ऐसी कोई टी शर्ट है नहीं यहाँ पर डार्क कलर की तो प्लीज एडजस्ट ओके okay? तो आज अपन आज जो है अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि कौन सा है

और बाकी सारे अपने साथियों को बुला लेते हैं जल्दी से पधार जाएं इधर और अपन इस चैप्टर को शुरू करें और बहुत जल्दी इसको पूरा करेंगे आज भी लेट हुआ हूँ मैं इसके लेट होने के पीछे थोड़ा सा कारण है लेकिन उस कारण को भी नहीं चर्चा करते क्योंकि यहाँ पे क्लास शुरू करने वाला कोई नहीं था तो मुझे ही करना पड़ा सब कुछ तो थोड़ा सा समय उसमें चला गया और आपकी इस पी, -पी को बनाने के लिए तो यहाँ पे देखो ये किसकी आँखें हैं किसकी आँखें दिख रही हैं हमें तो ये आंखें दिख रही हैं एक बिल्ली या बिल्ले की फीमेल और मेल हो सकता है तो आंखें कुल मिलाकर के बहुत ही ज्यादा कीमती अंग है हमारे शरीर में आप आंखें बंद करके देख लो आंखें तो क्या मैं सोचो ना ये कैमरा का यहाँ पे ये ढक्कन ही बंद कर देता हूँ तो आप खुद सोच करके देखो कि दुनिया आपको कैसी दिखाई देगी मतलब एकदम अंधेरा ही है भाई इस दुनिया में और कुछ है ही नहीं ना आप कलर्स को देख सकते हो और ना ही आप जो है बाकी कुछ देख सकते हो तो आंखें बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कीमती है मतलब बाकी अगर अंग एक बार के लिए हम टच महसूस नहीं कर पाए मान लो तो फिर भी चलो हम देख तो पा रहे हैं सब कुछ सुन तो पा रहे हैं सब कुछ तो आंखें बहुत ज्यादा कीमती है ये हमको बुक में बोला है तो इस तरह से अपन को समझना है आगे बढ़ना है तो इधर मैं आप लोगों का नाम अभी देख लूंगा उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज की इस क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है तो आज की इस क्लास में हमें मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है जो कि एक बेहतरीन अंग है आप देखो आँख कितनी सुंदर ये चित्र जिसने भी बनाया जिस भी व्यक्ति ने कितना सुंदर बनाया है और इस मानव नेत्र में हमें क्या क्या पढ़ना है इन टूडेज क्लास तो हम आज की क्लास में मानव नेत्र की संरचना को देखने वाले हैं कि कैसे बना हुआ है पूरी आँख कैसे बनी हुई है और फिर उसके बाद में उसका कार्यचालन कैसे होता है मतलब वो फंक्शन कैसे करती है मानव नेत्र उसको देखने वाले है? और एकदम शॉर्टेस्ट जो precise, जो कंसाइज़ नोट्स है ना वो अगर लाइव कोर्स में हो तो वहां पर भी आपको ही जाते है तो ये एकदम प्रिसाइज कंसाइज शॉर्टेस्ट हैं अगर आपको खुद से बनाने तो। कार्यचालन देखेंगे कि कैसे काम करती है आंख कहां से लाइट कहां जाती है कहां पर इमेज बनती है और फिर उसके बाद में हम लोग कसरत करेंगे दिमाग की ये हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है तो हम जो भी क्लास पढ़ेंगे उसमें कोशिश करेंगे कि अंत में में या बीच में, कहीं पर भी जैसे ही कोई टॉपिक खत्म हो तो उस टॉपिक से संबंधित कुछ एक MCQs जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो हम लोग लेंगे तो यहां पर भी लेंगे आज की क्लास में भी लेंगे तो सबको टिके रहना है साथ में बने रहना है और ये अपने को काम करना है आज की क्लास में ठीक है तो बढ़ सकते हैं अपन आगे नो डाउट बढ़ सकते हैं एक बार मैं देख लू कौन कौन आ गया है 11th की मैथ आज नहीं होगी आज गुरु जी की हमारे जो गुरुदेव हैं उनकी क्या है शादी की सगाई सॉरी अरे वो यार उसको ना, एनिवर्सरी एनिवर्सरी को, को है, है? तो जाऊंगा भी उनकी सालगिरह में संभावना ऐसा है अगर मैं गया तो, तो मैं वहां से फोटोज लेकर इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा किसी को देखने हो तो वहां देख लेना ठीक है किम जिया अभिषेक हैं ऋतिक गुप्ता हैं सर आप यूपी आए थे हमें बताया भी नहीं अरे वो छोटे से एक दिन के लिए आता हूँ तो फिर मैं क्या बताऊँ आपको है ना मैं आगरा ही आता हूँ यूजुअली मेरी मौसी वहाँ है तो मैं वहीं आता हूँ बट अगर आप अपने घर पे भी बुलाओगे तो मैं आपके घर पे भी आ जाऊँगा ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ऋषभ आज मैथ की क्लास नहीं होगी कल होगी श्रद्धा वेरी गुड इवनिंग बेटा अर्पित मोहम्मद सैफ वालेकुम असलम बेटा खान उबैद काजल यादव अर्चना पांडे सुनील शर्मा ब्रजेश यादव इंग्लिश की चर्चा अपन बाद में करेंगे ऋषभ सर Android Gaming सर गेमिंग जब हम रात को पढ़ते हैं तो हमारी आंखें क्यों जलती हैं क्योंकि बेटा हमारी जो बॉडी क्लॉक है ना वो सूरज के हिसाब से काम करती है आंख का तो आप लोगों को कि हम सूरज की रोशनी के हिसाब से ढले हैं लेकिन हम क्या उसके विरुद्ध जाकर के रातों को जागते हैं तो वो आंखों को एकदम से सूट नहीं करता ऐसा अः आकाश बहुत बहुत खुश रही है सौम्य कौशल है ना क्रेज़ी सर मेरी आंखें कमजोर हैं अरे बेटा चश्मा पहनो यार मेरी तरह देखो ना मैंने भी तो चश्मा तो क्लास शुरू करते हैं कॉमेंट कर देना बिल्कुल भी मत भूलना और अगर कोई हमारा लाइव कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो यहाँ पे फोन करके पूछ लेना तो देखो हम पढ़ रहे हैं मानव नेत्र की संरचना जल्दी से पूरा करेंगे इस टॉपिक को तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भैया ये हमारी आंख है और इस आंख में हमें सामने से आंख को जब देखते हैं ना तो क्या क्या दिखाई देता है तो हमें एक तो ना सफेद सफेद हिस्सा दिखाई देता है कुछ एक वो सफेद हिस्सा क्या कहलाता है मैं लिख देता हूं इंग्लिश में भी स्पेलिंग ताकि आप लोगों को ऐसी कोई समस्या ना हो। स्क्लेरा ठीक है और ये जो काला वाला जो खड्डा है छोटा सा बीच में वो कहलाता है पुतली जिसको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं अंग्रेजी में और ये जो हमारे पास में रंग बिरंगा जो हमारी आँख में अंदर हिस्सा होता है, जो से है, वो है ना जो बॉल है ये पूरा एक बॉल जैसा है ऐसे पूरा पूरी आंख अभी दिखा दूंगा फोटोज में मैं आपको तो उसका व्यास लगभग कितना है दो पॉइंट तीन सेंटीमीटर इतनी सी है आंख की बॉल पूरी की पूरी ठीक है और दूसरा क्या है इसमें दो प्रमुख परतें हैं ये जो बॉल है ये जो हमारी आंख का नेत्र गोलक है इसकी प्रमुख दो परतें हैं दो परतों में इसको डिवाइड कर रखा है कौन सी कौन सी पहली तो है बाहर वाली परत और ये बाहर वाली परत यही है जो हमें दिखाई देती है ठीक है क्या नाम है इसका इसका नाम है स्क्लेरा क्या बोलते हैं स्क्लेरा बोलते हैं इसको और ये कैसी है सफेद है कैसी होती है कठोर होती है ये और अपारदर्शी पदार्थ से बनी हुई होती है मतलब ये जो सफेद सफेद भाग है ना ये वाला जो भाग है ये पूरी आंख का भाग नहीं देख सकते है पदार्थ की है, पदार्थ की, सिंपल है। दूसरी दूसरी परत कौन सी है? हमारे पास में ये थी इसको बोलते हैं आंतरिक परत या इसको बोलते हैं रक्तक या बोलते हैं कोरोइड क्या बोलते हैं रक्तक कैसी है? भाई काले रंग की होती है ये वाली देखो आप नोटिस करो ये कैसी है काले रंग की है और क्या करती है आंतरिक परावर्तन को रोकती है लाइट जब आंख में अंदर जाती है ना तो काले रंग की ना तो क्या करती है लाइट को अवशोषित कर लेती है ऐसे नहीं कि टकरा के वापस ऊपर नीचे वापस ऊपर नीचे करेगी तो आंख फिर अंदर कंफ्यूज हो जाएगी कि एक ही चीज से जो लाइट आ रही थी वो इतनी जगह पर क्यों टकरा रही है और साथ ही साथ में आंख के अंदर है ना प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं अगर ज्यादा प्रकाश उनको पड़ जाता है तो मर जाती हैं खराब हो जाएंगी तो उनको बचाने का काम ये काले रंग की परत करती है उनको बचाने का काम ये काले रंग की परत करती है अब आपके मन में होगा कि सर ये तो बताया नहीं आपने एक और क्या चीज है तो ये बताता हूँ मैं आंख ये चश्मा उतार करके बता देता हूँ यहाँ देखो ये जो आंख है ना हमारी इधर आ, आगे इधर इधर एक ऐसे यू उभार है एक पारदर्शी उभार है जो हमें दिखाई नहीं देता यहाँ पे आगे की तरफ एक मतलब झल्ली है ऊपर रखी हुई है जो कि कैसी है पारदर्शी है उस पारदर्शी झिल्ली को हम लोग कॉर्निया या स्वच्छ मंडल हिंदी में बोलते हैं। में है, हिंदी में बोलते हैं हैं इंग्लिश में 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 कॉर्निया है हिंदी इसको स्वच्छ मंडल स्क्लेरा के अग्र भाग में एक उभरी हुई पारदर्शी सतह ये जो स्क्लेरा है पूरा सफेद इसके आगे वाले भाग में एक उभरी हुई सतह है जो दिखाई नहीं देती आंखों से वो है कॉर्निया सिंपल है आगे देखो और क्या है हमारे पास में तो हम बात कर रहे हैं परितारिका की तो परितारिका की बात करेंगे हम हमारी देश की बहुत ही विख्यात हीरोइन के नाम से कौन है ये सब सब लिख देंगे कमेंट्स में अभी बाढ़ लग जाएगी यहाँ पे पता नहीं कितों के चेहरों पे तो मुस्कुराहट ही अलग आ जाएगी कि सर क्या सर मतलब क्या बात है सर ऐसे पढ़ाई करेंगे क्या हम क्यों लाए मैं इनका फोटो क्योंकि आपन को ध्यान है कि हमारे देश में कुछ एक ऐसे दुनिया भर में लोग हैं जिनके आंख का रंग कुछ और होता है जो इधर ये जो रंग बिरंगा जैसे मेरी आंख में ब्राउन कलर का ऐसा रिंग है गोला है पूरा और किसी में ऐसे यू नो ब्लूइश कलर का भी होता है किसी में ग्ले ग्रे कलर का भी होता है काफी सारे लोगों में काला ही देखने को मिलता है तो ये जो अंग है ना यही परितारिका कहलाती है परितारिका या इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं आइरिस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या बोलते हैं आई आर आई एस आइरिस परितारिका तो क्या चीज है परितारिका समझ लेते हैं देखो अपन बहुत सिंपल है कॉर्निया के पीछे की एक संरचना है भाई आगे एक हमारे पास में झिल्ली है जिसके आर पार दिखता है अंदर जाते ही उसके क्या है ये रंग बिरंगी संरचना है जिसको हम लोग बोलते हैं परितारिका और कैसा है ये मांसपेशीय डायफ्राम है, है तो डायफ्राम मतलब ऐसे समझो कि वो फैला हुआ चपटा सा कुछ है और मांसपेशी का बना हुआ है फिर कह रहे हैं ये क्या करता है पुतली के आकार को नियंत्रित करता है तो आपके मन में यहां पर एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर फिर पुतली क्या होती है अभी बताएंगे टेंशन ही मतलब एक बस बात आप ध्यान रखो कि हम लोगों के अंदर ना वर्णक आंख में अलग-अलग है वर्णक मतलब पिगमेंट अलग-अलग होता है तो उस पिगमेंट के कारण परितारिका का कलर जो है अलग-अलग लोगों में अलग-अलग हो सकता है मतलब ये एक जेनेटिक सीक्वेंस है ऐसा वो जीन में होता है डीएनए होता है अपन खुद से नहीं कंट्रोल कर सकते लेकिन वो पिगमेंट के कारण रंग अलग अलग हो सकता है जैसे हमारे बालों का रंग है ना ये भी पिगमेंट के कारण होता है कुछ लोगों का भूरा रंग होता है और अंग्रेजों का तो देखा होगा काफियों का अपने चमकता ही रहता है वो सुनहरा कलर होता है कुछ का लाल होता है और हमारा ज्यादातर भारत में हमें ब्लैक बाल देखने को मिलते हैं तो ये उसके कारण है समझ में आया परिति का क्या है ऐसे तो कैसे ही भूलोगे तुम्हें सबको याद रखना है सब याद रखेंगे भी सही बात है दूसरा है पुतली क्या है पुतली की बात कर रहे हैं तो पुतली कहाँ है ये देखो यहाँ पर आप ये आंखें दिख रही हैं दोनों आपको तो इसमें बीच में जो काला काला छेद जैसा दिख रहा है ना ये बीच में ये है पुतली पुतली बोलते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्यूपिल 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 लिख लिख मैं मैं इसको यहां यहां पे यहाँ लिख देता हूं पी पी यू आई एल अच्छा प्यूपिल क्या है ये आंख में प्रकाश इसी में से जाता है जैसे कैमरा में नहीं छोटा सा छेद होता है उसमें से प्रकाश जाता है अंदर की तरफ तो वैसे यहां पर क्या है प्यूपिल है और इसमें प्रकाश जाता है और ये प्रकाश की मात्रा को कम या ज्यादा करता है प्यूपिल छोटा होता है या बड़ा होता है बड़ा होता है तो ज्यादा प्रकाश अंदर जाता है छोटा होता है तो कम प्रकाश अंदर जाता है अच्छा ऐसा क्यों करता है क्योंकि मैंने आपको बताया हमारे अंदर आंख में क्या है प्रकाश संवेदी कोशिकाएं हैं बहुत ज्यादा प्रकाश गिर गया तो मर जाएंगी तो वो उसको फिर कम जाए ताकि अंदर प्रकाश तो उसको छोटा कर देता है प्यूपिल खुद को जो है हमारे पास में पुतली वो छोटी हो जाती है परिवर्तनशील छिद्र है छोटा हो जाता है तो प्रकाश कम जाता है अंदर जैसे अंधेरे में हम एकदम से धूप में से एकदम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो क्या होता है हमें दिखता ही नहीं हम यूं यूं करके अरे भाई दिख ही नहीं रहा दिख नहीं रहा फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल होता है क्यों क्योंकि प्यूपिल बड़ा होता जाता है होता जाता है होता जाता है और फिर हमें साफ कमरा दिखता है ये क्या है रिफ्लेक्स आर्क है एक परिवर्ती चाप है प्रतिवर्ती चाप है सॉरी नहीं प्रतिवर्ती चाप हमने सातवें चैप्टर में पढ़ा था नियंत्रण एवं समन्वय में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कि अपने आप जैसे ही हम धूप में जाते हैं तो आंखें एकदम से छोटी हो जाती हैं दिखता नहीं है क्यों ये क्या है एक प्रतिवर्ती चाप है रिफ्लेक्स आर्क है हमारी पुतली आंख की जो है वो छोटी हो जाती है एकदम से क्यों छोटी हो जाती है धूप ज्यादा चली जाएगी अगर आंख में तो अंदर कोशिकाएं मर जाएंगी तो उसको छोटा कम जाने के लिए प्रकाश पुतली छोटी हो जाती है और इस पुतली को छोटा या बड़ा करने का जो काम है ना वो परितारिका करती है पुतली के आकार को नियंत्रित करती है ये इसके चारों तरफ है परितारिका तो परितारिका दबाती है तो पुतली छोटी हो जाती है खींचती है तो बड़ी हो जाती है समझ रहे हो आप इस बात को तो दोनों का काम एक साथ होता है पुतली का और परितारिका का बहुत सिंपल है और फिर हम बात कर रहे हैं अभिनेत्र लेंस की अभी आगे फोटो देखेंगे कि उसमें लेंस कहां पर है है तो तो जस्ट परितारिका 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 पुतली पुतली ये ऊपर ऊपर नीचे ही मतलब बीच में पुतली और उनके जस्ट पीछे क्या है हमारे पास में लेंस है समझ रहे हो इस बात को उनके जस्ट पीछे आंख का हमारे पास में लेंस है तो पुतली व परितारिका के पीछे स्थित होता है लेंस ये कैसा होता है पारदर्शी और क्रिस्टलीय संरचना होती है ये कैसा है पारदर्शी है इसके आर पार हमें दिखाई देता है कैसी संरचना है क्रिस्टलीय संरचना है निलंबन स्नायु की सहायता से ये अपनी स्थिति में रहता है ये जो लेंस है हमारे पास में ये निलंबन स्नायु या निलंबन स्नायु को क्या बोलते हैं हम लोग आ, सस्पेंसरी लिगमेंट्स अंग्रेजी में नाम है अभी मैं दिखाऊंगा आपको कुछ धागे जैसी संरचना होती है जो इस लेंस को अपनी जगह पर रखती है अभी दिखाता हूं आगे तो पहले तो आप ये देखो डायग्राम को पास में से देख करके अब आप समझ पा रहे होंगे ये जो सफेद वाला भाग है यहां पे सफेद सफेद ये क्या है स्क्लेरा पहली बात बाहर से क्या क्या दिख रहा है हमें ये जो रंग बिरंगा ऐसे गोल्डन हरा सा कलर दिख रहा है ये है हमारे पास में परितारिका परितारिका और ये जो बीच में काला खड्डा है ये क्या है पुतली पुतली छोटी बड़ी हो सकती है ये परितारिका है अलग अलग लोगों में अलग अलग रंग की होती है लोग लेंस लगाते हैं आंखों में रंग बिरंगे आंखों को करने के लिए तो वो उससे इसी का कलर चेंज होता है लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए आंख में चोट भी लग सकती है वो लेंस लगाने करने से और यहीं पे यहां पर ऐसे ऐसे करके इसके ऊपर है ना एक पारदर्शी परत है जो हमें दिख नहीं रही एक ऐसी परत है जो हमें दिख नहीं रही जिसको हम लोग स्वच्छ मंडल या कॉर्निया बोलते हैं समझ में आ गई सबको सिंपल है नेक्स्ट देखो अभी यहां पर ये चित्र हमें किताब में दे रखा है वैसे इस चित्र को बनाना भी सीखना है हमें उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो रहेगा बट अभी आप यहां पर देखो तो यहां पर आगे से अगर हम देखें तो मैं इधर अपने हाथ में कुछ है ना हाइलाइटर ले लेता हूं और हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं तो ये जो चीज है ना यहाँ पे सबसे आगे आगे जहां पे अभी मैं रंग कर रहा हूं ये देखो सब जने देख पा रहे हो ये ये कवर जो है ना ये परत जो है ये है कॉर्निया क्या है कॉर्निया है फिर इसके बाद में हम अगर यहां पर देखें और मैं अब पेन लेकर के कलर करता हूं देखो मैं एकदम ना लाल कलर करता हूं यहाँ पे ये जो ना साइड में से देख रहे हैं हम आंख को ये जो लाल रंग किया है ना मैंने यहाँ पे ये यह लाल रंग और ये नीचे लाल रंग ये क्या है ये है परितारिका साइड में से देखने पर और पुतली कहां पर है तो पुतली ये रही बीच में एक छेद है जिसमें से लाइट अंदर जाएगी आंख में तो ये पुतली हो गई और लेंस कहा है आंख का तो लेंस ये रहा दिख रहा है ना हमें ये रहा ये लेंस है जेली जैसे पदार्थ का बना हुआ है ये लेंस है सब कुछ दिखा दिया मैंने आपको यहां पर और ये जो बाहर वाली पूरी परत है ये स्क्लेरा कहलाती है बाहर वाली अंदर वाली जो पूरी की पूरी है वो कोरोड या रक्तक हिंदी में कहलाती है सिंपल है देखो जल्दी आगे देखो लेंस नेत्र कक्ष को दो भागों में विभाजित कर देता है ये जो लेंस है ना ये आंख के गोले के दो टुकड़े कर देता है दो भाग कर देता है एक तो ये अंदर वाला भाग और एक ये बाहर बाहर वाला वाला भाग भाग क्लियर हुई तो बाहर वाला जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं अग्रिम खंड बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं एंटीरियर चेंबर तो अग्रिम खंड कौन सा है कॉर्निया व लेंस के बीच कौन सा भाग है ये रहा कॉर्निया और इस लेंस के बीच में जो भाग है उसको बोलते हैं अग्रिम खंड

हमारे आंख के लेंस से लेकर दृष्टि पटल तक का जो हमारे पास में क्या है कक्ष है आंख का उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर पोस्टीरियर चेंबर चेंबर डन अब यहां देखो आप इसमें जो द्रव भरा हुआ है एक लिक्विड भरा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं काचाब द्रव काचाब द्रव समझ गए सब जने क्लियर है सबको जल्दी क्वेश्चंस की तरफ चलने वाले हैं अपन ध्यान से पढ़ना इसी में से क्वेश्चंस रहेंगे तो एक काचाब द्रव भरा हुआ है उसके बाद कह रहे हैं पक्षमाभिपेशिया पक्षमा भी पेशे यहां ध्यान देना ध्यान से देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूं यहां पे मैं ले रहा हूं रेड नहीं ले सकते अब ऑरेंज या पर्पल ले रहा हूं चलो ये ये इधर इधर है ना ऊपर लेंस से कुछ जुड़ा हुआ रहता है यहां पे देखो आप ये यह यहां पर कलरफुल कर रहा हूं इसको मैं अलग से बनाना भी सीखेंगे तो और डिटेल में बता दूंगा मैं आपको ये चीज लेकिन अभी आप यहां देखो तो यहां पे कुछ क्या है लेंस के ऊपर और लेंस के नीचे कुछ है कुछ पेशियां हैं मास पेशियां समझो आप तो वो पेशियां लेंस को जकड़े हुए हैं हालांकि पेशियां हैं फिर उसके नीचे क्या है हमारे पास में निलंबन स्नायु होता है कुछ एक कलर का धागा होता है जैसे अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये मान लो लेंस है। ठीक है ये लेंस है मान लो ऐसा अभी क्या है कि लेंस के ऊपर की तरफ मैं येलो से बनाता हूं ऐसे ऐसे पतले पतले धागे निकले हुए हैं एकदम बारिक बारीक और ये जो धागे हैं ये निलंबन स्नायु हैं और ये आगे जाकर के किससे जुड़े हुए हैं ये जुड़े हुए हैं पक्षमाभी पेशियों से तो ऐसे करके ऐसे फिर ऐसे पेशियां बनी हुई हैं थोड़ी सी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है यहां पे समझना आप मेरी भावनाओं को समझना आप ये पेशियां हैं पेशियां वैसे ही ये यहां से भी जुड़ी हुई हैं ऐसा तो ये पक्षमा भी पेशियां करती क्या है आप पढ़ोगे कि ये क्या करती हैं लेंस को छोटा बड़ा करने का काम करती हैं पतला या मोटा करने का काम करती हैं अभी दिखाता हूं देखो कैसे यहां लिखा है हमने संकुचन व विस्तार से लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करती है ये जो पक्षमा भी पेशियां हैं ये लेंस को खींच के पतला कर देती हैं या दबा करके मोटा कर देती है तो अब बस अपन थोड़ी सी देर में आज भी लाइव क्वेश्चन करने वाले सब तैयार रहना तो यहां पर पेशियों का समझ लिया अपन ने फिर क्या है दृष्टि रेटिना लास्ट चीज है ये लास्ट चीज कहां पर होती है ये पीछे वाला जो पर्दा है ना आंख का पीछे की तरफ उसको हम लोग रेटिना या दृष्टिपटल बोलते हैं तो ध्यान से देखो नेत्र गोलक के पीछे के भाग की सतह है ये जो रेटिना है ये क्या है नेत्र गोलक जो गोला है ना इसके पीछे के भाग की सतह है जो आंख में आए प्रकाश से प्रतिबिंब निर्माण के लिए पर्दे का काम करती है तो जो भी प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का वो रेटिना पर बनता है दृष्टि पटल पर बनता है सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है रेटिना पर बहुत सारी प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है कितनी कोशिकाएं होती है एक मिलियन 125 मिलियन प्रकाश संवेदी कोशिकाएं क्या बात कर रहे हो इतनी सारी कैसे हो सकती हैं और इसमें भी मैं आपको बताऊं दो तरह की कोशिकाएं हैं है। ध्यान से देखना एक तो होती है रॉड शेप्ड तो उनको लिखते हैं रॉड शेप्ड और दूसरी होती है ठीक है तो रॉड शेप वाली जो होती है ना इनका मान लो आकार ऐसा होता है और जो कोन शेप वाली होती है इनका आकार कुछ ऐसा होता है ऐसा ये वाली जो रॉड शेप वाली होती है ना ये लगभग 120 मिलियन होती है मतलब ज्यादा यही वाली होती है जस्ट अ सेकेंड ठीक है और ये वाली जो होती है ये लगभग पांच मिलियन होती है अब देखो ये जो रॉड शेप वाली होती है ये हमें दुनिया को कैसा देखने में हेल्प करती है ब्लैक एंड व्हाइट ये केवल प्रकाश की तीव्रता को नापती है कि इंटेंसिटी कितनी है लाइट ज्यादा है या कम है कोई कोई चीज ज्यादा सफेद है या काली है बस इतना सा और ये सबसे ज्यादा है एक मिलियन और जबकि ये जो कोन शेप वाली है ना ऐसे शंकु के शेप वाली ये पांच मिलियन के आसपास है और इनकी हेल्प से हम रंग को देख पाते हैं कि कलर हमारे चारों तरफ कैसा है अगर ये वाली नहीं हो तो हमें दुनिया कैसी दिखाई देगी काली ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगी जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते ना अपन तो ये देख लिया अपन ने यहां पर अब देखो चलो तंत्रिका हाँ एक लास्ट चीज है लास्ट चीज गांव की दृक तंत्रिका पहले देख लो ये पीछे से कुछ एक तंत्रिका जाती है दिमाग की तरफ यहां से तो इनको हम लोग बोलते हैं दृक् तंत्रिका ये क्या है तंत्रिका कोशिकाओं का बंडल है बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं एक साथ जाती हैं तो ये क्या करती है रेटिना से जो भी संदेश है उसको लेकर के जाती है कहां पर लेकर के जाती है मस्तिष्क की तरफ यहां पर पीछे हमारे पास में ऑसिपिटल लोब होता है यहां पे मस्तिष्क का एक हिस्सा है प्रमस्तिष्क का उसमें सारी सूचना लेकर के जाती है तो इनको हम लोग दृक् दृक् मतलब देखने वाली तंत्रिका बोलते हैं और इनको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व, नर्व क्या है ऑप्टिक नर्व या ऑप्टिकल नर्व कह सकते हैं उसको अपन कालाई रंग चुना हुआ है तो वो अनिरा लिखने में बट ऑप्टिकल नर्व इसको हम लोग कहते हैं ध्यान रखो देखने की संवेदना को दृष्टि पटल से जो पर्दा है उससे मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य करती है चलो तो दृष्टि पटल पर एक पीत बिंदु होता है जहां पर प्रकाश बहुत ज्यादा सेंसिटिव मतलब वो बिंदु जो है ना वो लाइट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं

वोट्स थ्री वोट भाई क्या करे यार हम्म चलो तो देखो कार्यचालन में क्या है प्रकाश की किरणें किसी भी वस्तु से आई किसी भी वस्तु से प्रकाश की किरणें आई कहां गई तो आकर के सबसे पहले कहां एंटर करेंगी सबसे पहले एंटर करेंगी कॉर्निया से कॉर्निया से होते हुए आंख में जाएंगी और आंख की पुतली से एंटर करेंगी जो काला छेद है इससे अंदर जाएंगी

में भी पेशियां क्या करेंगी इस लेंस को छोटा या बड़ा करेंगी खींच करके और उससे क्या होगा उसकी फोकस दूरी परिवर्तित होगी वो भी मैं समझाऊंगा थोड़ा सा आपको कुल मिलाकर के यहां पर लेंस पतला या मोटा होता है ताकि वो प्रकाश को दूर फोकस करवाए या पहले फोकस करवाए तो ये यह यहां पर काम होगा फिर ये प्रकाश कहां जाएगा लेंस से होकर के सीधा जाएगा हमारे दृष्टि पटल पर या रेटिना पर जाएगा रेटना पर क्या है हमारे पास में प्रतिबिंब निर्माण होगा क्यों क्योंकि वहां पर हमारे पास में प्रकाश समेदी कोशिकाएं हैं बहुत सारी लाखों करोड़ों कोशिकाएं हमारे पास में वहां पे फिर उसके बाद लास्ट में क्या होगा दृष्टि पटल से जो भी सूचना है उसको कौन लेकर के जाएगा आगे दृक तंत्रिका या ऑप्टिक नर्व चलो मैं ही देता हूं यहां पर ऑप्टिक नर्व ये क्या करेगी संकेत को मस्तिष्क तक ले जाएगी इस तरह से हम इस दुनिया को देख पाते हैं बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक था ऐसे बना लोगे कभी भूलोगे नहीं एग्जाम में याद रहेगा हमेशा हमेशा अब यहां पर देखो जल्दी से तो मानव नेत्र में अगर हम थोड़ी सी बातें समझे जैसे समंजन क्षमता की हम बात करें यहीं पर उसका टॉपिक आ जाएगा हमारे पास में लेंस वाला समंजन क्षमता क्या होती है कि भैया देखो हम क्या कर सकते हैं सब्जन है सब जने मेरे साथ करो देखो अभी अभी अंगूठा सामने लाओ ठीक है अंगूठा सामने लाओ सब्जन है अब इस अंगूठे को क्या करो केवल अंगूठे को देखो तो आप नोटिस करोगे ना पीछे का जो है ना पीछे दीवार है या जो कुछ भी है वो सब धुंधला हो जाएगा तो मतलब क्या हुआ हमारी आंख ने अपना फोकस फोकस जो है ना इस अंगूठे पे ले आई और पीछे पीछे से हटा लिया फोकस। अब अगर आप वापस का देखोगे ना सामने की दीवार को या जहां पर भी आप बैठे हो तो वो चीज तो आपको साफ दिखने लग जाएगी लेकिन आपको अंगूठा धुंधला हो जाएगा क्यों इसका मतलब क्या हुआ आंख ने क्या किया फोकस को दूर कर लिया खुद के फोकस को हम करते हैं ना फोन में भी फोकस एडजस्ट करते हैं तो लगातार फोकस को बदलती जा रही है इस अंगूठे पर रखती जा रही है फोकस को और यहां पे आप जैसे और पास लाओगे ना तो आंख के बीच में यहां पे दर्द होने लग जाएगा आंखों में थोड़ा सा पेन होने लग जाएगा क्यों क्योंकि उससे कम फोकस कर नहीं पा रही आंख उसको दिक्कत हो रही है आंख को करने समझ में आई ये वाली बात आपको तो हमारी आंख क्या कर सकती है अपनी फोकस दूरी को बदल सकती है किसकी हेल्प से बदल सकती है तो वो बदल सकती है लेंस लेंस की हेल्प से. लेंस किसकी हेल्प से से बदल सकता है वो हमने देखा था पक्षमा भी पेशियां हैं ऊपर से नीचे से जुड़ी हुई तो उसको दबाती है या खींच करके बड़ा करती है तो इसी क्षमता को नेत्र के लेंस की हम क्या कहते हैं समंजन क्षमता कहते हैं या इसको बोलते हैं अंग्रेजी में पावर ऑफ अकोमोडेशन अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी समायोजित कर सके बदल सके स्थिति के हिसाब से तो उसको हम लोग क्या कहते हैं समंजन क्षमता कहते हैं इंपॉर्टेंट बात है, है। कोई का चीज है रेशे वाली जेली जैसी, जैसी है तो जेली कैसी होती है ऐसे फ्लेक्सीबल होती है और इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक पक्षमा पेशियां परिवर्तित कर देती परिवर्तन कर देती बहुत ज्यादा नहीं करती लेकिन हाँ काफी हद तक वो उसमें परिवर्तन कर देती है जैसे ही लेंस की तो उसकी फोकस अपने आप बदलती है अभी देखते हैं देखो कैसे तो हमने यहां पर कार्यचालन मैंने यहां पर गलत नहीं लिखा है वैसे तो इसको मेरे को हटाना पड़ेगा वैसे यहां से कार्य पर ध्यान मत देना मैंने गलती से लिख दिया यहां पे चलो यहां ध्यान दो तो यहां पर हम कह रहे हैं पेशियां जब पेशियां शिथिल होती हैं मतलब जो पक्षमा भी पेशियां हैं वो कैसी हो शिथिल हो आराम से बैठी हो तो क्या होता है उसके इसमें अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है कैसा हो जाता है अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है मैं बनाता हूं यहां पर देखो ये मान लो हमारा अभिनेत्र लेंस है आराम से बैठा है कोई तकलीफ ही नहीं है इसको अभी कैसे होगा तो प, जो हमारी पक्षमा भी पेशियां है ना वो शिथिल है वो आराम से बैठी है वो भी कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से ठीक है इसको मान लो पकड़ करके बैठी है। ऐसा तो उससे क्या होगा कि आप देखोगे फोकस दूरी बढ़ जाती है फोकस दूरी कैसे बढ़ जाएगी जैसे मान लो कि ये हमने मुख्य अक्ष बना दी यहां पर तो होगा क्या कि इस केस में ऐसे हमें एक वृत्त बनाना पड़ेगा ऐसा तो उससे हमें पता चलेगा कि केंद्र मान लो यहां है तो मान मान लो फोकस फोकस दूरी उसकी यहां है लेते हैं अपन एक बार के लिए ये बहुत ज्यादा हो जाएगी तो हम उतनी दूरी तक का देख पाएंगे मतलब हमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देने लगेंगी एकदम शॉर्ट में लिखा हुआ है ये देख लो आप पेशियां शिथिल होंगी आराम से बैठी होंगी अभिनेत्र लेंस पतला हो जाएगा फोकस दूरी बढ़ जाएगी और दूरी दूर की वस्तुएं हमें साफ साफ दिखाई देंगी अब आप देखो पेशियां सिकुड़ेंगी पेशियां सिकुड़ जाएंगी अगर तो क्या होगा पेशियों के सिकुड़ने पर अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाएगा लेंस मोटा हो जाएगा तो कैसे होगा पेशियां कैसे सिकुड़ेंगी दूसरा चित्र बनाना पड़ेगा अपन को यहां पर तो मान लेते हैं यहां पर अपन के ना लेंस मोटा है ऐसे मोटा हो गया एकदम और पेशियां फिर कैसे होंगी यहां पर तो ये देखो पेशियां सिकुड़ जाएंगी स्टिफ हो जाएंगी ठीक है और इधर से भी ऐसा मान लेते हैं और क्या होगा यहां पर हम देख रहे हैं कि इसकी फोकस दूरी कुल मिलाकर के क्या हो जाएगी कम हो जाएगी मान लो ये मुख्य अक्ष है

पड़ती है सिंपल सी बात थी बढ़ सकते हैं अपन आगे तो नेक्स्ट हम लोग क्या कह रहे हैं अभिनेत्र लेंस जो है ना इसकी फोकस दूरी को एक न्यूनतम दूरी तक ही कम कर सकते हैं बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते हम लोग लिमिटेशन है क्यों क्योंकि भाई है कोई पदार्थ है ना एकदम पिचका थोड़ी दोगे उसको आप ये समझने वाली बात है तो कह रहे हैं सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कह रहे हैं कि एक आंख मानव की जो एकदम ठीक है अडल्ट की आंख तो वो कितनी दूरी तक एकदम साफ साफ देख सकती है बिना आंख पर जोर डाले तो वो दूरी कितनी है पच्चीस सेंटीमीटर मतलब पच्चीस सेंटीमीटर की दूरी तक हम दुनिया को चीजों को आराम से एकदम साफ साफ देख सकते हैं बिना आंख पर ज्यादा जोर डाले लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर से पास लाना चालू कर देंगे तो आंख पे जोर लगना चालू हो जाएगा ये किस आंख की बात हो रही है जो ठीक आंख है और सिमिलरली दूर तक हम कहां तक सबसे दूर देख सकते हैं तो हम सबसे दूर कहां तक देख सकते हैं दूरतम बिंदु जो है हमारा वो अनंत है क्यों क्योंकि हम तारों को देख पाते हैं आसमान में तो हम बोलते हैं तारे तो हमारे लिए अनंत दूरी पर है तो हमारी दृष्टि के लिए जो सुस्पष्ट दर्शन के लिए दूरतम बिंदु है कि सबसे दूर हम कहां तक देख सकते हैं तो वो है अनंत दूरी पर और हम सबसे पास में साफ साफ कहां तक देख पाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं निकट बिंदु बोलते हैं और वो कितना है 25 सेंटीमीटर ये हमें बात याद रखनी है ये बस एक याद रखने वाली बात है तो अब आ गए हैं हम लोग एक मिनट की दिमाग की कसरत पर तो क्या सब जने तैयार हैं चश्मा पहन करके बोलो जल्दी बोलो जल्दी बताएं सब जने भाई सब ने लाइक कर दिया क्या वीडियो आई होप कर दिया है ओके इम्पोर्टेंट टॉपिक पर स्टार अब तो मैं इतना छोटा छोटा नॉलेज लाया हूं ना आप लोगों के लिए कि मजा ही आ जाएगा आपको जितना बहुत कम लिखूंगा मैं अब यहां पे बोर्ड पे, जो लिखा होगा वो जरूरी आप अपनी कॉपी में उतार लेना उसको हम्म ठीक है तो चलो शुरू करते हैं अपन तो सबसे पहला क्वेश्चन फिरोज सर तैयार है आप ओके रेडी तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर और आपका टाइमर मैं शुरू कर रहा हूं जल्दी से यहां पर ये शुरू हो गया आपका टाइमर तो बताओ चलो क्वेश्चन है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है तो चार ऑप्शन है नेत्रोद अंतरप्रष्ट पर बी है अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर सी है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर और डी है इनमें से कोई नहीं मतलब नेत्रोद कहां पर होता है भाई नेत्रोद तो आगे वाले अग्रिम खंड में भरा हुआ होता है इंटीरियर चेंबर में और पोस्टीरियर में जो पश्चिम पश्चिम खंड है उसमें क्या भरा हुआ होता है काचाप्रव तो नेत्रोद कह रहा है कर देगा नेत्रोद कर देता है अपवर्तन प्रकाश का सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर मतलब जो अभिनेत्र उसके अंदर सबसे ज्यादा जो अपवर्तन हो जाता है प्रकाश का और सी ऑप्शन है कॉर्निया के और डी है हमारे पास में इनमें से कोई नहीं तो सोचने वाला है यार देखो क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बताओ सब बताओ बहुत अच्छे से बताओ देर आर ओनली अरे टाइम हो गया क्या चलो मैंने टाइमर को रीसेट कर देता हूं इसको यहां साइड रखते हैं अब देखो समझने की कोशिश कर रहा है ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अपवर्तन क्या है ये तो अपन सबको पता है कि अगर मैं मानव नेत्र का सिंपल सा ऐसा डायग्राम बनाऊ यहां पर सब समझने की कोशिश करना देखो ये दृक्त तंत्रिका ये आगे ऐसे उभराव है आंख में और ये ऐसे आंख है यहां पर हमारे पास में लेंस है ठीक है ये वाला जो भाग है मैं हाईलाइटर से बता देता हूं आप लोगों को ये किसका है ये है हमारे पास में तो तो कलर नहीं दिख रहा है याँ पे याँ पे भरा हुआ है तो हाइलाइटर का कलर तो नहीं दिख रहा चलो कोई बात नहीं मैं वैसे ही समझाता हूं आप लोगों को तो एक तो बाहर है कॉर्निया चलो कॉर्निया देते हैं तो कॉर्निया में हरे रंग से देता हूं मार्कर से अरे क्या हो रहा है ये इसमें कंट्रोल जेड होता है क्या फिर करूंगा कैसे मेरे पास तो कीबोर्ड ही नहीं है यहां पर मैंने तो पूरा से इतनी मिटा दिया चलो कोई बात नहीं वापस बनाता हूं जल्दी से समझ में आना बहुत जरूरी है ध्यान दो तो यहां पे वापस से लेंस बना रहा हूं फटाफट से और यहां पे ये जो बाहर वाला है हमारे पास में सरफेस ये क्या नेत्रोध है ओ सॉरी कॉर्निया कॉर्निया ये बाहर इधर ये दिखाई नहीं देता है कॉर्निया तो आपको मतलब है प्रकाश की किरणें तो मतलब आ रही है ना तो इतनी तो यही मुड़ जाती है और फिर ये लेंस में जाती है और फिर वो उसको फोकस करवाता है जहां पर भी करवाना है बहुत ज्यादा यही हो जाता है तो इसका जो सही आंसर है ना हमारे पास में सत्यानाश तो दूसरा क्वेश्चन भी दिखा दिया क्या हो रहा है खैर कोई ना जो भी है तो यहां पर है इसका आप मेरी बातों पे पर दो पीछे जो भी हुआ तो यहां पर मैं कह रहा हूं कहां पर होता है कॉर्निया के बाहरी प्रश्न पर जो कॉर्निया है ना 80 से 90 प्रतिशत तक अपवर्तन वहीं पर हो जाता है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर और ये आपका समय शुरू होता है अब तो क्या कह रहे हैं सामान्य नेत्र की अधिकतम दूरी कितनी अधिकतम कितनी दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है तो सामान्य नेत्र जो हमारी आंख है वो अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकती है सेकंड सबको आंसर करना है जल्दी से पोल आ जाएगा मुझे उम्मीद है जल्दी से स्क्रीन पर और उसमें कर सकते हैं सब जने आंसर यहाँ आके चला गया सब डी कह रहे हैं काफी सारे जने ए भी कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं अच्छी बात है कह तो रहे हैं सर मेरे तो पोल आया ही नहीं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का पोल ही नहीं आया ना मेरे पास चलो तो आपका टाइम तो हो गया है बट आपके स्क्रीन पर पोल भी आ जाएगा तो उसका आंसर भी कर देना अब आया है पोल बताओ तो क्या है आंसर जल्दी से कर दो दस सेकंड में पोल पर आंसर कर दो ताकि मुझको पता चले कि कितनों ने सही किया और कितनों ने गड़बड़ की है यहां पर तो क्या है आंसर करेक्ट चलो सही सब जने आंसर कर रहे हैं 109 वोट्स हैं जल्दी-जल्दी जल्दी 127 फटाफट से सब जने आंसर कर दो ये दो चार परसेंट तो कुछ भी कर देते हैं क्या ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी एक में ए में भी एक में से एक में डी चलो ठीक है बढ़िया है स्टिल एक सौ इक्कावन जनों ने आंसर किया है जबकि ढाई सौ जने हैं यार यहां पे जल्दी करो ऐसे मत करो यार चलो तो मैं बताता हूं आंसर क्या है तो आंसर है हमारे पास में हमारे पास में आंसर है जल्दी से देखो अनंत पर डी है हमारा आंसर कि हम दूरतम कहां तक देख सकते हैं इनफाइनाइट वैसे ये सच नहीं है अभी अभी मैंने एक जगह पढ़ा था हम दूरतम कहां तक देख सकते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक देख सकते हैं मानव नेत्र से जो कि लगभग ढाई लाइट ईयर्स दूर ऐसा कुछ बट दूरी मेरे को एग्जैक्टली exactly याद नहीं है उस पर मत जाना बट हाँ एंड्रोमाडा एक गैलेक्सी है वहां तक हम लोग देख सकते हैं हमारी आंखों से चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा आपकी स्क्रीन पर और ये आपका टाइम शुरू होता है अब तो क्या है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है फटाफट से बता दो इसको तो गलत बताया तो देखो पाप पड़ेगा फिर पोल कर देना जल्दी से क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए क्या है ऑप्शन ए है हमारे पास में पक्षमा भी पेशिया सेकेंड है, है परितारिका आइरिस या थर्ड है हमारे पास में नेत्र का लेंस और फोर्थ है हमारे पास में रेटिना रेटिना या दृष्टि पटल थोड़ा मैं तुम्हारी मदद किए देता हूं कि भाई रेटिना तो नहीं करता ठीक है ये तो क्लियर है और लेंस भी नहीं करता क्योंकि लेंस का तो खुद आकार चेंज होता है है ना लेंस खुद पतला होता है खुद मोटा होता है वही कोई और करवाता है लेंस को तो तो ये तो क्लियर है अपन को तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई सबको आंसर करना है सबको ऐसे आलसी नहीं बैठना है बैठ करके। भाई मैं फोन फेंक के मार देना तुम्हारे सर पे 138 जनों ने आंसर किया है अभी तक और उसमें से 38 परसेंट ने गलत किया है 40 परसेंट ने गलत किया अभी भी तो पढ़ाया था क्लास में अब भी पढ़ा है यार थोड़ी देर पहले इतनी जल्दी भूल जाते हो क्या मतलब ये तो वही बात हो गई कि सुबह क्या खाया था क्यों सर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन कल क्या खाया था बोले सर ये तो पूछो ही मत आप पूछो ही मत है ऐसे मत करो चलो तो बी यहां पर हमारा बाईस सेकेंड जो है मैंने तुम लोग को ज्यादा दे दिए हैं यार बी हमारा करेक्ट आंसर है पक्षमा भी पेशिया तो खुद लेंस के आकार को परिवर्तित करती है ना लेंस को बड़ा छोटा करती है अभी दिखाया था मोटा पतला करती है लेंस को तो पक्षमा भी पेशियां तो खुद लेंस के आकार को बदल रही है यार ऐसे थोड़ी होता है चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर ये रहा आपकी स्क्रीन पर और आपका टाइमर शुरू कर दिया है मैंने यहां पे तो क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है जो इंसान की आंख है ना वो किस भाग पर प्रतिबिंब बनाती है पूरे नेत्र गोलक में तो वो कौन सा भाग है बताओ चलो कर देना पोल जल्दी से आ गया भाई पोल आ गया है मेरे भी आ गया है यहां पर पोल आपके भी आ गया होगा तो कौन सा भाग है जल्दी बताओ ये तो भाई सबका ही सही होने वाला है मेरे को ऐसा लग रहा है 99 नाइन हुआ है इस पर आंसर जल्दी बताओ टू सेवेंटी थ्री लोग हो यार ऐसे क्या कर रहे हो मतलब तुम लोग हैं जल्दी जल्दी कम ऑन हरियप सबदा ने सही बता रहे हैं लेकिन फिर भी यार बीस परसेंट लोगों ने गलत बता दिया है भाई ऐसा क्या कर रहे हो मतलब टाइम हो गया है आप लोगों का बट थोड़ा सा और ले सकते हो देना चाहो तो जल्दी बताओ टू सेवेंटी सेवन हो सारे के सारे जल्दी आंसर कर दो ऑन क्विकली ए कौन लिख रहा है भाई पिटाई खाएगा क्या है ना ए लिखने वाले पिटाई खाएंगे आज मेरी डी लिखने वाले सही कह रहे हैं अमन वर्मा वैभव गुप्ता पोल आ गया बेटा मेरे भी आ गया पोल आ गया टू जीरो फाइव आंसर आ गए पोल पर ठीक है तो इस पोल को भी एंड कर देते हैं तो हमारा आंसर है करेक्ट दृष्टि पटल डी भाई पीछे वाला है ना रेटना यार भूल जाते हो क्या पर्दा जहां पर इमेज बनती है रेटना इतना आसान भी गलत करोगे तो फिर पता नहीं क्या ही करोगे तो ये थे आज के क्वेश्चंस और आज का टॉपिक हमारा खत्म हुआ अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में मैं लिखा नहीं है यहाँ पर बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दृष्टि दोष कि आंख में कौन से कौन से दोष हो जाते हैं दूर दृष्टिता हो जाती है निकट हो जाती है ऐसे ऐसे जो भी हैं और साथ ही साथ में आपको मिलने वाला है जल्दी से एक वन शॉट और साथ ही साथ में एक मेंटिक्विज uh, भी आपका होगा मैथमेटिक्स का होगा इस बार ठीक है तो उसके लिए भी आप तैयार हो जाओ निखिल सर जो भी अनाउंसमेंट करें सब आ जाना पधार जाना यहाँ पर और साथ ही साथ में मेंटिक्विज भी होगा और वन शॉट भी आएगा और अगर आपकी रिक्वेस्ट है कि सर इस चैप्टर का वन शॉट पहले चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में लिख देना सर मेरे को बता देंगे फिर मैं वही रिकॉर्ड कर दूंगा और साथ ही साथ में अपना लाइव क्लास चल रही है पास में अभी उसी में जाऊंगा मैं क्लास लेने यहां से तो वहां पर अगर ज्वाइन होना है तो वहां पर भी रिविजन पूरा होने वाला है नोट्स वगैरह सब कुछ है वहां पर शॉर्ट नोट्स और लाइव क्लासेस पांचों सब्जेक्ट्स की हिंदी इंग्लिश मैथ्स साइंस सोशल साइंस तो आप उधर भी ज्वाइन कर सकते हो और अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो बेटा कर लेना चाहिए क्योंकि संडे अभी आने वाला है संडे को फिर टेस्ट होगा कल या परसों अनाउंस हो जाएगा वो टेस्ट वहां पर और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो तो जैसे आज की क्लास की जो इन्फॉर्मेशन थी कि आज की अपनी क्लास साढ़े छह बजे नहीं सवा पांच बजे हो रही है तो ये वहां आ गई थी वहां मैंने मैसेज डाल दिया था दोपहर में तो ऐसे फिर आपको वहां से सारा इन्फॉर्मेशन जो है सब कुछ पता चल जाएगा और अगर किसी को कभी मेरे से बात करनी है कोई हेल्प चाहिए कुछ जीवन में अगर पर्सनल समस्या भी है जो आप किसी और से नहीं बता सकते तो वो भी आप मेरे को अपना बड़ा भैया बता देना भले तो यहाँ पे कॉल कर सकते हो वो मुझे बता देंगे जब भी फिर मैं अवेलेबल रहूंगा मैं आपसे बात कर लूंगा चलो थैंक यू सो मच बाय बाय ना कल की क्लास में अपन हर क्लास में ऐसे ऑब्जेक्टिव्स लाऊंगा और अब टफ लाऊंगा तुम लोग गड़बड़ करते हो आसानी गड़बड़ कर रहे हो तो फिर भी खैर मेरे को टफ करवाना है तुमको तो मैं लेकर आऊंगा बाय बाय थैंक यू सो मच